Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will explain exercise 1.4, question number 2. Verify that A divided B plus C not equal to A divided B plus A divided C for each of following value A, B, C. तो इसमें क्या है, verify करना है कि left hand side not equal to right hand side. तो उसमें हमें values दी हुई है A, B, C. देखते हैं first part. A दिया है 12, B दिया है -4, C दिया है 2. तो first इसमें put करेंगे A divided B plus C. तो A कितना है इसमें 12 divided by B कितना दिया है -4 plus C कितना दिया है 2. तो ये answer कितना आ गया 12 divided by plus minus minus 4 में से 2 निकाले 2, but sign बड़ी term का. तो ये कितना answer आ गया 12 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो ये इसको कैंसिल किया तो आंसर कितना आया -6. ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी. तो ए कितना है 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस ए दिया है -4, ए दिया है 12 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको लिखेंगे 12 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/2. तो ये कैंसिल हो गया 4 3 का 12, तो ये आंसर बन गया -3 प्लस 2 को 12 से कैंसिल किया तो 6. तो ये आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाले तो आ गया +3. तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -6 नॉट इक्वल टू किसके है 3 के. दैट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं. a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1. तो ये भी हम इसी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं. तो फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, a डिवाइडेड b प्लस c. तो a कितना दिया इसमें -10 डिवाइडेड बाय b दिया है 1, c दिया है 1. तो ये आ गया -10 डिवाइडेड a 1 + 1 2. तो ये आंसर आ गया -10 मल्टीप्लाई 1/2. तो ये कैंसिल होके कितना आ गया -5. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आया -5 के. ऐसे ही राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड है a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c. तो इसको कैसे लिखेंगे, a दिया है इसमें -10, b दिया है 1, c दिया है 1. तो इसको लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1. तो ये आ गया -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -10 मल्टीप्लाई 1. तो ये आंसर बन गया -10 प्लस -10. तो -10 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -20. तो राइट लेफ्ट हैंड साइड था -5 और राइट हैंड साइड है -20 इज नॉट इक्वल टू. दैट मींस द लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड.